राजकीय उत्कृष्ट आर्य महाविद्यालय नूरपुर में राजकीय महाविद्यालय प्राध्यापक संघ की बैठक हुई, जिसमें हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉ. जे.एस. नेगी द्वारा निकाली गई अधिसूचना की कड़े शब्दों में निंदा की गई। विदित है कि इस अधिसूचना में द्वितीय वर्ष के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का महाविद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन का निर्णय लिया गया है। HGCTA की स्थानीय इकाई के अध्यक्ष डॉ. पी.एल. भाटिया ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की इस अधिसूचना का जोरदार विरोध किया जाएगा और महाविद्यालय के प्राध्यापक इस आंतरिक मूल्यांकन में हिस्सा नहीं लेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में छात्रों के विषय को देखते हुए प्राध्यापक साथियों ने तृतीय वर्ष के छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का आंतरिक मूल्यांकन किया था, जबकि द्वितीय व प्रथम वर्ष के छात्र पदोन्नत किए गए थे। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को पहले ही द्वितीय व प्रथम वर्ष की उत्तर पुस्तिकाओं का आंतरिक मूल्यांकन न करने का ज्ञापन दिया जा चुका है और यह भी बताया गया है कि आंतरिक मूल्यांकन का प्राध्यापकों पर स्थानीय लोगों का दबाव बना रहता है और यह मूल्यांकन जैसे कि भूतपूर्व में होता था वैसे ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन इस अधिसूचना को वापस नहीं करता है तो HGCTA हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के परीक्षा व संघ कुलपति का घेराव करेगा। लोकल यूनिट गवर्नमेंट आर्य डिग्री कॉलेज नूरपुर में HGCTA का एक मीटिंग कॉल किया गया। मीटिंग में मुख्यतः एक दो बिंदुओं पर चर्चा किया गया। पहला ये रहा हमारा कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने UGC स्कीम हिमाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स और यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स को नहीं दिया है, इसलिए हम हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी सिंह जयराम ठाकुर जी से ये निवेदन करते हैं कि हमें महाविद्यालय के टीचर्स और यूनिवर्सिटीज़ के टीचर्स के लिए जल्दी से जल्दी 7th पे स्केल जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरा जो मुख्य बिंदु हमारा है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने पिछले साल एक नोटिफिकेशन जारी किया कि हमारे UG एग्जामिनेशन के जो स्क्रिप्ट होंगे उस BA, BSc और साथ ही सेकेंड ईयर के वो उस स्थानीय महाविद्यालय में ही उनका मूल्यांकन किया जाएगा। इसका हम लोकल यूनिट के तौर पर और जैसा कि हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से डायरेक्शन आया उसको हम जो है वो बाइकआउट करेंगे, क्योंकि कोरोना काल में हम BCom सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के बच्चों के भविष्य को देखते हुए हम जो है उसका इवेल्युएशन करते रहे ताकि उनका समय पर जो है वो परिणाम आए और अपना अगले भविष्य के बारे में वो सोचे। लेकिन ये पहली बार है कि सेकेंड ईयर के इवेल्युएशन के बारे में भी डायरेक्शन दिया गया है, तो इस सेकेंड ईयर का इवेल्युएशन हम लोकल और स्थानीय कॉलेज के लेवल पे नहीं करेंगे। ये हमारा एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सेंट्रल HGCTA ये निर्णय है और इस निर्णय के बारे में हम जो है लिखित तौर पे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को भी लिखित फॉर्म में अवगत करवाएंगे। हिमाचल प्रेस न्यूज़ के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।